डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस की थी। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बोला था, एंगल्स के बारे में मैंने बोला था आपको, एंगल्स हम कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए वो सिस्टम मैंने बोला था कि कितने तरीकों से हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम या एक बहुत ही रिनाउंड सिस्टम सर्कुलर सिस्टम जिसको हम रेडियन मेजर के नाम से भी पुकारते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है, हम लिखेंगे साइंस ऑफ ट्रिग रेशियोज, जिसको आप फंक्शन के नाम से भी पुकारोगे, फंक्शंस, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ये इसका मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स? इसका मतलब है, देखो, अगर हम एक रेक्टेंगुलर सिस्टम बनाएंगे, यह है एक्स एक्सीस, यह है वाई एक्सीस, ये सिस्टम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो अगर हम देखेंगे, कोई रे अगर हम लेंगे, कोई लाइन अगर हम लेंगे, ओ ए अगर हम लेंगे, एक रे है या जिसको हम इनिशियल रे भी बोलते हैं, इनिशियल साइड जहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये जो रे है यही घूमती है, ये कभी यहां पहुंचती है, कभी यहां पहुंचती है, कभी यहां। तो बेसिकली रोटेशन यही है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिवॉल्विंग रे, जो एंगल बनते हैं, कभी यहां पर भी ये एंगल होता है, कभी यहां पर होता है। तो आप बोलोगे यहां पर अगर बी है, ओ ए अब ओ बी पर तक पहुंच गई, तो ओ ए और ओ बी ने क्या एंगल बनाया, 90, जिसको आप पाई बाई टू के नाम से भी पुकारोगे, पाई बाई टू रेडियंस में। तो इसके बाद फिर ये रे यहां जाती है, ये हमने आपने टेंथ में नहीं पढ़ा था, आपने मैक्सिमम 90 तक आप जाते थे जब आप रेशो की बात करते हो। तो यहां पर क्या है, अब यहां पर भी ये एंगल कभी बनेगा, कभी ये ओ ए ओ बी ये ओ सी सपोज है, तो ये एंगल जो बन गया, ये एंगल बन गया 180 डिग्री, जिसको आप पाई बोलते हो। तो ऑब्वियसली फिर अगर ये रे यहां चली गई यहां तक, तो यहां से यहां तक जो ये एंगल है, ये 3π/2 है, 270 डिग्री, जिसको आप बोलोगे 270 डिग्री को पाई रेडियन में चेंज करो, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करो, वो मैंने बोला है आपको। तो सिमिलरली जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, तो सेंटर में एंगल बनेगा, वो तो मालूम है, ओए रे है यहां, तो ये वापस पहुंच गई यहां, तो इसका मतलब है सेंटर में आपका 360 एंगल बन गया, या 2π रेडियन जिसको आप बोलते हो। तो हमने बोलना है इस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या आएगा, साइंस क्या आएंगी, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसमें क्या साइंस आएंगी, यही हमने पढ़ना है। मगर अब आप थोड़ा सोचते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन क्वाड्रेंट्स के साथ क्या वास्ता, मैं बता दूंगा आपको क्या वास्ता, क्या रिलेशन है। मैं एक यूनिट सर्कल लूंगा, इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यूनिट सर्कल मैं लिखूंगा इधर, कंसिडर अ यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 है, 1 सेंटीमीटर हम मानेंगे, 1 रेडियस है। और हम इस यूनिट सर्कल पे क्या करेंगे, हम इस यूनिट सर्कल पे इस पे एक पॉइंट लेंगे, सपोज यहां इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे पी। तो ऑब्वियसली ये जो पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं बेटा इसका एक्स कोऑर्डिनेट रखूंगा ए और वाई कोऑर्डिनेट रखूंगा पी बी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने ए कॉमा बी लिखा रखा। तो हम लिखेंगे लेट पी बी एनी पॉइंट, ऑन द बाउंड्री, या जिसको आप बोलते हो सरकमफ्रेंस,
circumference of a unit circle. तो इसके coordinates हैं with coordinates a कॉमा b, ये इसके coordinates हैं. तो यहां पर मैं a लिखूंगा, इधर a मैं यहां लिखूंगा. तो जाहिर सी बात है ये जो ये पॉइंट a है इसके coordinates जो हैं वो है 1, 0, क्योंकि यहां से यहां तक है 1, ये तो रेडियस है, तो x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है. तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट सपोज ये b है y एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 1. तो यहां पर ये पॉइंट c है सपोज, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, -1, 0. तो ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पर है, अब ये 0, -1. तो मैंने अलग अलग एक्सिस पे मैंने ये पॉइंट्स डिस्क्राइब किए. ये तो मैंने यूनिट सर्कल की वजह से बोला, बिकॉज द रेडियस इज 1. तो ये P जो है ये पॉइंट एक है, इसके कोऑर्डिनेट्स a, b है. सपोज ये जो P है, अगर मैं ये OP ज्वाइन करूं तो इस OP ने इस OA के साथ एक एंगल बनाया, उस एंगल का नाम है एक्स रेडियंस. हमें पता ही नहीं है कौन सा एंगल है, हम लिखेंगे एक्स रेडियंस, कोई भी एंगल है ये. तो मैं लिखूंगा let OP makes एंगल एक्स रेडियंस with OA. OA के साथ एक्स रेडियन एंगल बना. तो मैं लिखूंगा फिर then एंगल POA is equal to एक्स रेडियंस, रेडियन के हिसाब से मैंने कहा है रेडियन में. अब क्या हम करेंगे, हम इस P से एक परपेंडिकुलर डालेंगे. मैं लिखूंगा ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन OA. मैंने PM एक परपेंडिकुलर डाला OA पर. आप देखो ये जो परपेंडिकुलर मैंने डाला ये इस सर्कल के अंदर में है, ये बाहर नहीं है. PM इज द परपेंडिकुलर नाउ. तो आप देखो OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरा. तो मैं अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगा, मगर एंगल है मेरा इस टाइम x है वेरिएबल एंगल, हमें पता ही नहीं है कौन सा एंगल है. तो मैं लिखूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP कौन सा रेशियो निकाले, हम निकालेंगे साइन एक्स हम निकालेंगे. हमें मालूम है साइन एक्स का वैल्यू क्या है, इट इज साइन ऑफ द एंगल एक्स. ये है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको आप बोलते हो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. यह अपोजिट एंगल का, यह एडजेसेंट इसका. तो साइन एक्स है PM डिवाइडेड बाय OP. बेटा आप देखिए ये जो ये PM है ये हम ऐसे ही रखेंगे PM, मगर ये जो OP है इट इज 1, क्योंकि रेडियस इसकी 1 है. तो ऑब्वियसली ये जो साइन एक्स है ये मेरा आ गया PM. मगर अगर आप देखोगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है, 9th में पर्टिकुलरली आपने पढ़ा है, ये जो PM लेंथ है ये है B, ये B है. तो मैं लिखूंगा बट PM इज इक्वल टू B, बट PM इज इक्वल टू B, तो सो साइन एक्स इज इक्वल टू B. तो आप देखो ये जो ये B है ये एक्चुअली साइन एक्स है, साइन ऑफ द एंगल, ये साइन ऑफ द एंगल जो इस OP ने OA के साथ बनाया. तो ये क्लियर हो गया मेरा, अगर ये एंगल 30 होगा, 30 डिग्री होगा, या पाई बाई जिसको 6 रेडियंस भी बोलते हो, अगर ये पाई बाई 6 होगा तो ऑटोमेटिकली ये B जो है ये साइन पाई बाई 6 है, साइन पाई बाई 6 तो उसका वैल्यू है. तो इसी तरीके से ये जो ऑल्सो, इसके बाद मैं लिखूंगा ऑल्सो, आपने ये लिखना होगा, इसके बाद मैं लिखूंगा ऑल्सो कॉस ऑफ एक्स,
cos of x base by hypotenuse, जिसको आप adjacent बोलते हो, adjacent by hypotenuse in a right angle triangle OMP, तो वो है OM divided by OP. तो obviously OM जो है it is A, ये है x chord, देखो OM जो है it is A, it is this A, and PM जो है it is B. तो मैं लिखूंगा इट इज ए बाई वन, तो ए जो है इट इज कॉस एक्स. तो जाहिर सी बात है ये जो कोऑर्डिनेट्स है पी के, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर पी ऑफ, हाँ क्या है, कॉस ऑफ एक्स कॉमा साइन ऑफ एक्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला है आपको मेरा बेटा. आप देखिए गौर से देखिए, आप एंगल हमने पढ़े हैं, ये एक्चुअली ओ ए रे है, इसी रे ने ट्रैवल किया. सपोज यहां पर ये ओ ए ओ पी ये सेम है, ओ ए भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है. एक्चुअली ओ ए ने रिवॉल्व किया ओ पी तक, आप देखो. और आप देखो अगर ये पी ओ पर ही होता, अगर कोई एंगल होता ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये जो एंगल था इधर इधर एट ए द एंगल वॉज जीरो, क्योंकि यहां पर जब ये घूमा ये OA OP तक पहुंचा तो x डिग्री x रेडियंस बन गया. जब ये OA पर ही था तो P और A कोइंसाइड हो गया इधर. तो इसका मतलब है हम लिखेंगे इफ P कोइंसाइड्स विद A, इफ P कोइंसाइड्स विद A, इफ P कोइंसाइड्स विद A, विद A, देन देन then x is equal to zero. तब तो एंगल जीरो था, तो कोऑर्डिनेट्स क्या थे a के फिर, so coordinates of ar cos of zero comma sin of zero. तो आपको मालूम है, आपने टेंथ में पढ़ा है cos 0 है 1, sin 0 है 0, तो obviously ही इसके coordinates हैं ही. वो ये मैंने पहले ही बोला था, अब मैंने आपको दिखाया भी कि इसके cos 0 और sin 0 भी हैं. Similarly, जब आप B पर पहुंचोगे तो इस ray ने ये P coincide हो गया B के साथ, तो P ये ray OB जो है ये OB तक पहुंच गई. तो मैं लिखूंगा if P coincides with B, अगर ये B के साथ coincide हो गया तो angle क्या बन गया, angle बन गया ये x जो है ये 90 आ गया, then x is 90, then x is pi by 2, जिसको आप बोलते हो 90 को आप बोलते हो pi by 2 radians. तो obviously जो coordinates हैं B के, then coordinates of B are यहां पर, then coordinates of B are cos of pi by 2 comma sin of pi by 2. मेरा बेटा आप देखिए cos of pi by 2 जो है that is 0 और sin pi by 2 1 है, तो obviously इसके coordinates हैं ही 0 comma 1. तो सिमिलरली ये जो ये रे ओए है ये एक्चुअली ये रेवोल्यूट हो रही है, ये कभी यहां पर भी पहुंचती है, यहां पर भी पहुंचती है, यहां पर भी पहुंचती है, तो अकॉर्डिंगली वहां पर हम एंगल्स डिस्क्राइब करते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है वो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. तो जाहिर सी बात है ये जो cos x और sin x है ये हर कोई पॉइंट जो यूनिट सर्कल पर है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं cos x कॉमा sin x. तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे वहां पर भी हर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स cos x sin x है, मगर x देखना है एंगल क्या बन गया. और रिमेंबर वन थिंग, ये जो x में बना रहा हूं ना ये एक्चुअली मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, इट इज द पॉजिटिव एंगल, ये पॉजिटिव एंगल है. अगर मैं ऐसे जाता तो नेगेटिव बनता, तो मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं इधर. तो यहां पर आप देखिए पहले क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पहले क्वाड्रेंट में आपने ये लिखा होगा, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या हो गया, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देखिए, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
पहला ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, आपको मालूम है ये नाइन्थ में पढ़ा आपने, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं एक्स भी और वाई भी, तो ऑब्वियसली आपका जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये कॉस एक्स भी पॉजिटिव है और साइन एक्स भी पॉजिटिव है इस पहले वाले क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है अगर आप जीरो से पाई बाई टू की तरफ जाते हो, जीरो से पाई बाई टू तक, जीरो से 90 डिग्री तक जितने भी एंगल्स का आप रेशियो निकालते हो दैट इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली टैन जो है वो साइन डिवाइडेड बाय कॉस है, वो भी पॉजिटिव, तो इसके रेसिप्रोकल्स कोसेक एक्स ये भी पॉजिटिव, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स ये भी पॉजिटिव, टैन का रेसिप्रोकल कॉट एक्स वो भी पॉजिटिव। तो हम कहेंगे ये जो पहला वाला क्वाड्रेंट है जब हम जीरो से 90 तक जाते हैं पूरे एंगल्स का जो रेशियो है वो पूरे रेशियोज रादर वो पूरे पॉजिटिव हैं, तो हम लिखेंगे ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। इस पहले वाले क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। अब हम दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे, जब हम दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है हम लिखेंगे इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो दूसरा क्वाड्रेंट है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नेगेटिव है, एक्स वहां नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। आप देखिए ये जो इसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या है ये, एक्चुअली ये पॉइंट कोऑर्डिनेट है ए काम बी, तो इसका मतलब है ये जो कॉस है, कॉस है इधर नेगेटिव लेकिन जो साइन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हर कोई पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, यहां पर भी कहीं पर है ये कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, यहां पर भी है कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, यहां पर भी है कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, उस टाइम एंगल अकॉर्डिंगली है, उस टाइम ये आपका एक्स है, जब हम आप ये लोगे उस टाइम ये आपका एंगल एक्स है, यहां से स्टार्ट आपने करना है, रिमेंबर आपने इस डायरेक्शन ओ ए से स्टार्ट करना है, जब आप एंगल बनाओगे द रोटेशन, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवॉल्विंग रे एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है ये आपका जो दूसरा क्वाड्रेंट है मैं, इसमें क्या है आपका, इसमें जो कॉस एक्स है वो है नेगेटिव, क्योंकि पहला है कॉस वो नेगेटिव है और जो साइन एक्स है वो है मेरा बेटा पॉजिटिव। तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन आपका है पॉजिटिव और कॉस आपका है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली जो टैन होगा, जो टैन होगा यहां पर लिखेंगे, अब जो टैन होगा सी नाउ, टैन जो होगा, टैन एक्स है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, साइन एक्स है मेरा बेटा पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव हो गया नेगेटिव, तो टैन एक्स नेगेटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव है, कॉस एक्स नेगेटिव है, tan x नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकल में क्या कहेंगे, cot x भी नेगेटिव है, cot x भी नेगेटिव है, sec x भी नेगेटिव है, मगर जो cosec x है वो पॉजिटिव है, cosec x पॉजिटिव है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, पहले वाले में क्या है ऑल पॉजिटिव, ऑल द रेशियोज पॉजिटिव, तो इसमें क्या है, इसमें साइन पॉजिटिव है, साइन साइन ऑफ द एंगल इज पॉजिटिव, बाकी सभी रेशियोज और इसका रेसिप्रोकल भी ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो बाकी सभी रेशियोज नेगेटिव। तो इसके बाद ये जो ये घूमती है अब यहां पर पहुंचती है, अब तीसरे क्वाड्रेंट की बात आ रही है, तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट मैं लिखूंगा, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है मेरा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, को हम लिखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज नेगेटिव और जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज पॉजिटिव, सॉरी दैट इज नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली
कॉस एक्स है वो भी नेगेटिव, तो जो साइन एक्स है वो भी नेगेटिव, कॉस तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, साइन एक्स हो गया वाई कोऑर्डिनेट, तो दोनों नेगेटिव, तो टेन एक्स हो गया फिर पॉजिटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना कैंसिल, बिकॉज टेन इज साइन बाय कॉस, तो टेन एक्स पॉजिटिव। अब देखो हर क्वाड्रेंट में एक एक रेशियो पॉजिटिव है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव, और कॉट भी मेरा बेटा पॉजिटिव होगा, कॉट एक्स इज अगेन पॉजिटिव, तो कोसेक एक्स जो है रेसिप्रोकल ऑफ साइन दैट इज नेगेटिव, तो सेक एक्स जो है, सेक एक्स जो है कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज अगेन नेगेटिव। तो आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ टेन पॉजिटिव आता है और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आता है, बाकी सभी नेगेटिव आते हैं। तो इसके बाद क्या ट्रैवल करने लगी ये रे ओ यहां थी, अब यहां थी, अब यहां, 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 तो अब इसने पार किया, ये अब आखिरी क्वाड्रेंट में चली गई, आखिरी क्वाड्रेंट में ये है एंगल, अगर हम मेजर करेंगे यहां से मेजर करना है ओ इसे, ये आपका एंगल बन गया, ये आपका एक्स है, तो ऑब्वियसली जो चौथा वाला क्वाड्रेंट है इसमें एक्स है पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट, तो हम लिखेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जो आपका चौथा वाला क्वाड्रेंट है इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है मेरा बेटा वो क्या है, वो कॉस है, दैट इज पॉजिटिव, वो कॉस है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है नेगेटिव, बिकॉज वो साइन है, वो नेगेटिव है, वो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इज नेगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब है कॉस एक्स मेरा बेटा है पॉजिटिव, तो साइन एक्स है नेगेटिव, साइन एक्स है नेगेटिव, तो टेन एक्स हो गया नेगेटिव है पॉजिटिव, वो भी हो गया नेगेटिव, वो भी हो गया नेगेटिव, तो जब टेन नेगेटिव तो इसका मतलब है कॉट भी नेगेटिव, कॉट एक्स भी नेगेटिव, तो इसका इसके बाद सेक एक्स जो है वो है कॉस का रेसिप्रोकल, वो है पॉजिटिव, क्योंकि जब रेशियो पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा ना, तो इसके बाद कोसेक एक्स है वो है बेटा नेगेटिव। तो आप देखिए होता क्या है एक्चुअली, ये जो वापस आ गया यहां पर, अब ये रे चली गई वापस, तो एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बन गया, सेंटर में आपका एंगल बन गया 2π, वो आपको मालूम है। तो आप देखिए पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे रेशियोज पॉजिटिव हैं, जो दूसरा वाला क्वाड्रेंट है उसमें साइन पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, थर्ड वाला क्वाड्रेंट में क्या है इसमें टेन पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, और चौथा वाला जो है, जो चौथा वाला क्वाड्रेंट है इसमें कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव और बाकी सभी नेगेटिव, तो मैं ये कहूंगा इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और रेसिप्रोकल पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, इसमें टैन पॉजिटिव इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, इसमें सेक पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव और इसके बाकी जो है रेशियोज वो सभी नेगेटिव, तो मैं इसको एक फॉर्मूला के नाम से जानूंगा, एक ट्रिक मैं के नाम से जानूंगा, मैं लिखूंगा एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ये इसलिए एड शुगर टू कॉफी मैंने लिखा, एड हो गया ऑल पॉजिटिव याद रखने के लिए, शुगर हो गया साइन पॉजिटिव रेसिप्रोकल भी होगा, तो हो गया टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉफी हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, इसीलिए उसको कहा गया है एड शुगर टू कॉफी। तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, तो ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज सीखी 10th क्लास में, जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं था कि ये जो रेशियोज हैं ये कोई भी एंगल लेते हैं, ये कोई भी एंगल लेते हैं, ये 90 से ज्यादा कोई भी एंगल लेते हैं, कोई भी रियल नंबर वो ये लेते हैं, कोई भी रियल नंबर लेते हैं, क्योंकि ये जो ये रे एक्चुअली ये घूमती रहती है, ये रे यहां थी अब यहां पहुंच गई, अब यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, तो अकॉर्डिंगली ये एंगल्स बन गए। तो ये हो गया आपको साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। इसके बाद आपने ये देखा होगा, ये जो पॉइंट ए बी सी और डी मैंने रखा वहां पर भी आपको मालूम है ये एंगल्स क्या क्या बन रहे हैं। आप देखो
अगर मैं लिखूंगा एट ए, देखो मेरा बेटा, एट ए एंगल इज जीरो, एट बी एंगल क्या है पाई बाई टू, ये वाला ए वही है, रे कहीं नहीं जाती है, एंगल बन गया जीरो। एट सी, सी पॉइंट पर कौन सा एंगल है, सी पॉइंट पर एंगल आप देखो ये पाई, पाई जिसको आप 180 भी बोलते हो, इसको आप 90 डिग्री भी बोलते हो, जो बी पर है। एट डी बताइए कौन सा एंगल है, एंगल इज हाँ आप देखिए यहां तक पाई, फिर पाई यहां तक पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू हो गया पाई, फिर पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, वो हो गया 270 डिग्री। और आप देखो एट ए वापस, जो आपका एंगल बन गया वो बन गया 2 पाई। देखो बेटा पहले था जीरो उधर, जब रे ने, जब रे एक ही जगह पर थी, जब उसने घूमना शुरू किया रेवोल्यूट हो गया तो वापस आ गया, तो एट ए एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद ए पर आपका एंगल बन गया 2 पाई, जिसको आप बोलते हो 360 डिग्री। तो ये चीजें आपने आज सीखी कि किस पॉइंट पर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, किस पॉइंट पर कौन कौन सा एंगल बन रहा है। तो ये भी बिल्कुल आपने याद रखा कि ए पर पहले 0 डिग्री होता है पर एंगल ही नहीं बनता है, बी पर आप देखो एंगल कैसे बनता है ऐसे एंगल, तो सी पर ये एंगल बनता है, डी पर ये एंगल बनता है, ए पर वापस 360 डिग्री एंगल बनता है। तो एक और डेफिनेशन, तो एक और डेफिनेशन में आपको बोलूंगा, या हम एक काम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बाद क्वाड्रेंटल एंगल्स डिस्कस करेंगे, वो इसके बाद आता है। थैंक यू वेरी मच।